ये है नए म्युनिसिपल कमिश्नर उस सत्य प्रकाश की जगह। और सुनो, उस ससुरे ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, हमने मारा ऐसे। हाय 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 हाय, अकेले बैठी हो? अरे ये यहाँ की बाइया, ये कोई गाना वाना गाती है? कसम से री, गाना तो तू गाती है कलेजा फाड़ के। चल आजा, आजा आजा, गा ले इनके सामने, शर्मा मत, चल चल उठ। हाय 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 हाय, बड़ी गजब की एक्टिंग करती है रितु, फिल्मों में काम करेगी। हाँ, टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा तुझे। सुभाष गई है ना, मेरा लंगोटिया यार है, मैं लगवा दूंगा तुझे। हाँ, बस कलेजा ठंडा कर दे मेरा। आजा। How dare you touch my wife, you bastard! Huh? I'll kill you! रुक जा, रवि, leave me alone, रवि, leave me, leave me यहाँ से। मालूम नहीं आपको? किस हरामजादे ने मेरी बीवी को छुआ है? तो जा रवि, I'll kill you, you bastard! अरे कैसी बीवी? जिसे तो अपनी बीवी समझ रहा है, वो तो था। रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे। तुम यहाँ से जाओ। हम उसका नक्शा बदल देंगे। तुम जाओ बेटे, जाओ। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है, पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे। जी भर के उसका नाच देखते रहना, समझा? चल चल। नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापों की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहां? माजी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं। माजी, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती मां, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा,
मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वाली। कौन है वो? बोल, अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आनी ही थी रवि। बड़ी तपस्या की है कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। माफ करना मेरे दोस्त, इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नई हो गई है। संभालो अपने आप को, मुश्किलें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है, सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बैड लक, बट बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं, फिर खा लूंगी। अब ना सुनती मैं तेरी पगलोई, कुछ खा ले तब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूं, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कजरी, क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला नेवाला अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती हूँ।